नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे एपीएल अपोलो ट्यूब कंपनी के बारे में। इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे और आज के दिन में यहाँ पे जो बड़ा गिरावट देखने को मिला है इसके पीछे का रीजन समझेंगे और यहाँ पे आगे चल के और कितना बड़ा गिरावट हो सकता है और इसमें कौन सा लेवल पे अगर हमें इसी में पोजिशन बनाना है तो कौन सा लेवल का हमें वेट करना चाहिए और टारगेट क्या हो सकता है, कम्प्लीटली इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अच्छा स्टॉक को एक सही लेवल पे बाय करने का एक बहुत बढ़िया सा एनालिसिस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर आपको सही लगता है तो ही सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल यहाँ पे आपकी चॉइस है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक का यहाँ पे हमें कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा सा कंपनी को एक सही लेवल पे बाय करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अच्छा पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम देखते हैं, देखिए कंपनी यहाँ पे जो है, कंपनी 30,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, 30,894 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। उसी के साथ में अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करेंगे 27% का देखने को मिलता है। उसी के साथ में डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 29% का डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलता है, जो कि 0.29 है। उसी के साथ में अगर हम प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे तो 31% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है और प्रमोटर प्लेज यहाँ पे 0 देखने को मिलता है। उसी के साथ में अगर हम स्टॉक का लाइफ टाइम हाई की अगर हम बात करेंगे 1338 देखने को मिलता है। उसी के साथ में स्टॉक अभी करेक्शन पे मिल रहा है, जो कि 300 रुपये करेक्शन 200 रुपये करेक्शन पे आ चुका है, जो कि 1114 के पास में यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे 24% का है। उसी के साथ में कंपनी का अगर हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे 0%, मतलब 0.31% है, मतलब 1% का कम है, मतलब बहुत कम डिविडेंड यील्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे स्टॉक ने एक बेहतरीन रिटर्न कमा के दिया है। अगर आप 5 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 41% सीजीआर के हिसाब से रिटर्न कमा के दिया है और स्टॉक में जो करेक्शन हुआ है ओनली 16% का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। उसी के साथ में कंपनी का अगर हम बिजनेस को स्टडी करेंगे, यहाँ पे देखिए एपीएल है, यहाँ पे एपीएल अपोलो इज वन ऑफ द लीडिंग ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, हेडक्वार्टर इन दिल्ली, और ये जो कंपनी है तो यहाँ पे स्टील ट्यूब वगैरह यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है, 1500 वेराइटी ऑफ एमएस ब्लैक पाइप, उसी के साथ एमएस ब्लैक पाइप, उसी के साथ में गल्वानाइज ट्यूब्स एंड प्री गल्वानाइज ट्यूब्स, ये सारे कंपनी का यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे आप आके बिल्कुल देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, इसी के साथ में ये सब प्लांट वगैरह में यहाँ पे जो ट्यूब वगैरह यूज होता है ये सारे कंपनी का यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ में कंपनी का अगर हम बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट पे आ जाएंगे तो कंपनी बिल्कुल एक लार्ज कैप कंपनी है, 30,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। उसी के साथ में अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को स्टडी करेंगे तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे देखिए, जो कि 4,431 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है। उसी के साथ में अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 202 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि मार्च के क्वार्टर में। तो यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट के बारे में हम बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिटेबल तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे भी ग्रोथ हुआ है, जो कि 177 करोड़ से यहाँ पे 202 करोड़ देखने को मिला है। उसी के साथ में अगर हम यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो भी यहाँ पे अच्छा सा ग्रोथ नजर आया है। उसी के साथ में लास्ट 4 क्वार्टर में अगर आप देखेंगे 642 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। उसी के साथ में अगर हम सेल्स के बारे में बात करेंगे 16,166 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है और कंपनी एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे अपना सेल्स को इम्प्रूव कर रहा है। यहाँ पे देखिए, जो कि 2017 में 3,900 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे सेल्स था, तो धीरे धीरे ग्रो होके यहाँ पे 16,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हो चुका है। उसी के साथ में अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो 158 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला था। उसी के साथ में 642 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है लास्ट 4 क्वार्टर में। तो कंपनी का उसी के साथ में अगर हम बैलेंस शीट को देखते हैं तो कंपनी का यहाँ पे देखिए बोरोइंग 873 करोड़ का कंपनी के पास में बोरोइंग देखने को मिला है। आज कंपेयर टू अगर हम देखेंगे रिजर्व 2,950 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे रिजर्व देखने को मिला है, तो बोरोइंग यहाँ पे 873 करोड़ का कंपनी का बोरोइंग है। तो कंपनी का बोरोइंग यहाँ पे जो है मैनेजेबल है, तो यहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर इस चीज़ को अगर हम देखेंगे सीडब्ल्यूआईपी भी कंपनी के पास में, जो कि 374 करोड़ का सीडब्ल्यूआईपी भी देखने को मिलता है। उसी के साथ में अगर आप एक चीज़ देखेंगे कंपनी का फिक्स असेट देखिए, तो कंपनी का यहाँ पे 1800 करोड़ का फिक्स असेट था, तो यहाँ पे 2580 करोड़ का हो चुका है। मतलब यहाँ पे तो सीधा सीधा देखने को मिला है, जो कि फिक्स असेट यहाँ पे ग्रोइंग हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में कंपनी यहाँ पे सेटअप यहाँ पे इम्प्रूव, मतलब यहाँ पे सेटअप बढ़ा रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस चीज़ में यहाँ पे कोई आज सच बोरोइंग में कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी अपना कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, प्रमोटर का होल्डिंग अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर के पास में 31.16% का स्टेक है। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे एफआई के पास में 25.71% का एफआई के पास में होल्डिंग है और डीआई के पास में 11.08% का होल्डिंग है। अगर हम रिटेल पब्लिक के बारे में बात करेंगे तो 32% का रिटेल पब्लिक के पास में देखने को मिल रहा है। उसी में से अगर हम स्ट्रॉन्ग हैंड्स को निकाल देते हैं
जो कि अराउंड 9% है, तो इनको निकालने के बाद में अराउंड 23% का यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में होल्डिंग देखने को मिल रहा है। और कंपनी का अगर हम चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, देखिए बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, जो कि एक मल्टी वैगर स्टॉक का चार्ट पैटर्न है, जो कि 2013 में यहाँ पे ₹18 के पास में स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा था। तो अभी आगे देख सकते हैं ₹18 से लेके स्टॉक यहाँ पे जो कि ₹1100 के पास में ट्रेडिंग हो रहा है, एक बहुत बड़ा एक जबरदस्त तरीके से रिटर्न कमा के दिया है स्टॉक ने। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे, कंपनी ने एक बेहतरीन रिटर्न कमा के दिया है और पिछले 3 साल में 100% सीजीआर के हिसाब से रिटर्न कमा के दिया है। अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में 51% सीजीआर के हिसाब से रिटर्न कमा के दिए। तो ऐसा नहीं कि कंपनी ओनली भाग रहा है, अगर आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहा है, उसके साथ में कंपनी का सेल्स भी बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे बढ़ रहा है। उसी के साथ में आज के दिन का अगर हम कारोबार के बारे में बात करेंगे, तो आज के दिन में यहाँ पे 5,12,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है। उसी के साथ में अगर हम डिलीवरी के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे 3,51,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिला है कंपनी में आज के दिन में, एक बहुत बेहतरीन डिलीवरी देखने को मिला है। उसी के साथ में किसी भी स्टॉक में अगर हम पोजीशन बनाते हैं, एक सही लेवल पे बाइंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सही लेवल पे बाइंग करेंगे तो ही हमारा मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, और लेवल पे इंतजार करना बहुत जरूरी है। मैं यही सारी चीज़ें अपना ग्रुप में वहाँ पे डिस्कशन करता रहता हूँ, एक अच्छा सा क्वालिटी स्टॉक को सही जगह पे बाय करना और अपना टारगेट तक लेके चलना, यही सारी चीज़ मैं यहाँ पे जो कि प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम पे भी मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ कि इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे स्टॉक को एक सही लेवल पे अगर हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, हमारा प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट होता रहता है, फिर उसके उस प्रॉफिट को हम दूसरे जगह में जो स्टॉक करेक्शन में है उस स्टॉक में प्रॉफिट में हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिन पहले मैंने जैसे कि पीडीलाइट में यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी पता चला था, जो कि 2 महीना पहले मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, वही सारी चीज़ मैंने यहाँ पे मार करके अपना ग्रुप में बता दिया था कि यहाँ से पक्का पैसा बनेगा, क्योंकि ये जो चीज़ हमने मार्क किया था तो इससे पहले कंटिन्यूअसली ऐसे सेम पैटर्न वहाँ पे डेवलप हो रहा था। तो इसी के बेस पे मैंने भी खुद पोजीशन बनाया था और अपना ग्रुप में भी यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए मैंने बताया था, जिनके पास में फंड है वो जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक जब सही लेवल पे आता है तभी हम पोजीशन बनाने के बारे में सोचते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने रूट मोबाइल के बारे में बताया था, तो वहाँ से देखिए स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे एक अच्छा सा रैली दे चुका है। इससे बहुत सारा स्टॉक एक सही लेवल पे हम पोजीशन बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ वहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं और सही लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में वहाँ पे डिस्कशन करते रहते हैं, और सारी चीज़ अगर आप सीख के समझ के करेंगे तो पक्का पैसा बनेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ को सीख के समझ के करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम अपना बिजनेस के साथ में अपना जॉब के साथ में जरूर अपना पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रहना है, अच्छा क्वालिटी स्टॉक को सही लेवल पे बाय करना है और उस लेवल तक इंतजार करना है, और सही टाइम पे जब आता है उस टाइम पे बाइंग करना है, वहाँ पे डरना नहीं है। और किसी भी स्टॉक में 3% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे पास में अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो एक ही कंपनी के अंदर ज़्यादा एक्सपोजर अगर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे कल के दिन में हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था कि देखिए यहाँ पे एक मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है, जो कि इंडिको पेंट में बिल्कुल आज के दिन में देखिए एक बढ़िया से तेजी भी देखने को मिला, और वहाँ पे और भी अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी जा चुका है, जो भी स्टॉक के बारे में हम डिस्कशन करते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, तभी वहाँ पे आपके सामने लेके आते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है स्टॉक एक बार बाय करने के बाद में वहाँ से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ये किसी के हाथ में नहीं, हम बाय करने के बाद में स्टॉक बिल्कुल नीचे आ सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे, 3 महीना 6 महीने का टाइम पीरियड लेके चलेंगे तो पक्का पैसा बनेगा, ठीक है ना। अगर आप साल में 24% सीजर के हिसाब से अगर अपना ग्रोथ देखते हैं ना, तो 3 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है। लेकिन हमारा मन में क्या होता है, अगर 3 महीना 4 महीना 5 महीने तक स्टॉक अगर बिल्कुल मूवमेंट नहीं हुआ, 6 महीने तक मूवमेंट नहीं हुआ, तो हम सेल करके निकल जाते हैं। ऐसे करने से थोड़ी पैसे बनेगा फ्रेंड्स, मार्केट में पेशेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे आज के दिन में, यहाँ पे देखिए 200 दिन का मूविंग एवरेज को बिल्कुल ब्रेक कर चुका है, जो कि रेड कलर का मूविंग एवरेज 200 दिन का ब्रेक कर चुका है। उसके साथ में RSI का अगर हम लेवल के बारे में बात करेंगे, 25 का लेवल पे RSI आ चुका है। हो सकता है यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा सा अभी रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे फिर से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन होके इस लेवल को जरूर रिटेस्ट कर सकता है। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे छोटा छोटा क्वांटिटी आप लेके चल सकते हैं, जो कि यहाँ पे 2-4 क्वांटिटी लेके चल सकते हैं, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वांटिटी लेके चलिए स्टॉक में। और जब करेक्शन आएगा, जो कि यहाँ पे 1000 का लेवल आएगा, जो कि ₹100 का करेक्शन आएगा, यहाँ से लेके बिल्कुल एक 8-9% का करेक्शन आएगा, वहाँ पे आपको एवरेजिंग करके चलना है, ठीक है। तो जरूर ये स्टॉक में अपना पोजीशन बना के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आपको मेरे हिसाब से स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे मोमेंटम में था, तो थोड़ा सा करेक्शन तो जरूर यहाँ पे हो सकता है, इस लेवल तक जरूर एक बार आ सकता है। अगर बाइंग की लेवल के बारे में बात करेंगे तो मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे 1000 का लेवल, 1030 का जो 1029 का लेवल, जो 1030 का लेवल है, तो यहाँ पे आपका बाइंग लेवल बन रहा है। तो इसी लेवल पे आपको बाइंग करना है,
और टारगेट यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे लाइफ टाइम हाई तक यहाँ तक लेके चलना है, जो कि 1323 तक टारगेट लेके चलना है। और ये जो टारगेट है ना, बिल्कुल मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो टारगेट है आपको बिल्कुल यहाँ पे 1 महीने में टारगेट अचीव हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। अगर आप यहाँ पे 1029 में आप अगर मतलब यहाँ पे पोजिशन बनाते हैं, अगर आप 1300 टारगेट तक होल्ड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको हो सकता है 6 मंथ्स भी लग सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कल के दिन में प्रॉफिट बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मार्केट में आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखेंगे तो ही अच्छा पैसा बनेगा। अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक के साथ में रहिए। अगर आप फिर भी कुछ डाउट है तो आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट में आ सकते हैं, हमारा ग्रुप में जुड़ के काफ़ी सारी चीज़ सीख के समझ कर अगर पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। सारी चीज़ जूम मीटिंग के जरिए से सीख के समझ के कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम टारगेट की बात कर रहे हैं, 1323 टारगेट तक लेके चलिए, अच्छी कंपनी है, जरूर अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं। लेकिन आपको 3% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेना है किसी भी कंपनी में, हमारे पास में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, जरूर आप जाके देख सकते हैं। ये सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, ये सभी बहुत सारा स्टॉक है जो कि एक एक साल में 50% का भी रिटर्न दे सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं कोई गलत दावा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो ये है ना, एक ऐसे कुछ छोटी कंपनी है जो कि बहुत नीचे आ चुका है, वो कंपनी में अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो अच्छा गेन तो मिलेगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रहता है, रिस्क के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैंने बताया था कि सही लेवल पर चल रहा था वहाँ पर पोजिशन बनाने का, जिन्होंने पोजिशन बनाया अच्छा गेन किया, ठीक है। तो मार्केट में बने रही है, यहाँ पे मेरी को स्टॉक के बारे में बताया था तो वहाँ से स्टॉक में ऑलरेडी 15-20% का मूवमेंट आ चुका है, ठीक है। तो मार्केट में बने रही है, पैसा पक्का बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नया ग्रुप के साथ में। जय हिंद जय भारत। ये स्टॉक एक एजुकेशनल पर्पज के लिए था, यहाँ पे मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है।